ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। आज बैठे हाँ अपना बड़ा गांव, हमारा बड़ा गांव हयू मसूद पर जड़त है, हमारा जो गांव है किन्नर उर्फ गैबी नगरिया दलाल आए हो रहे हैं, तो इसे गांव मावा बैठे हाँ। और बड़े गौरव की बात है, अपने साथ बैठे हैं ज्ञान सिंह आर्य जी, और इन्होंने अपने इस मसूदपुर गांव पर एक किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है, और आज उसका इनोग्रेशन था, यानी उसका उद्घाटन था, आज वह किताब लॉन्च करी है। देखो ओ गया अगर भाई, कलम चलाना सबके बस की बात नहीं होती, और दूसरी चीज़ कलम चलाएं होने उस कलम ने लिखना के है के लिखना, किसके बारे में लिखना, यह भी अपना आप में एक बड़ी बहुत बड़ी बात हो है। और हम तो सौभाग्यशाली मानना अपने आप ने कि बड़ा गांव में आने का मौका मिला, और इतने बड़े लेखक जिन्होंने मतलब बहुत बड़ी उम्र है, 60 साल शायद प्लस मिलेंगे, जो इतना बढ़िया काम करया, एक गौरव गांव का एक इतिहास के रूप में एक संजोग धर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस किताब ने पढ़े और उन्हें बेरा लग गए कि भाई मसूदपुर किस तरह गांव आया, किस तरह बचा के कुछ पूरा मसूदपुर का इतिहास था। तो सबसे पहला राम राम जी। राम राम जी, ठीक हो? बहुत अच्छा। अच्छा आप एक बार अपना पूरा परिचय बता दो जी। परिचय, मेरा नाम ज्ञान सिंह आर्य, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम श्री रामचंद्र, माता जी का नाम सुशी देवी जी, और मैं इसी गांव का, इसी चौपाल के पास मेरा घर है, ये गांव को मैं नमन करता हूं जहां मेरे को जन्म दिया। उम्र कितनी है जी आपकी? उम्र मेरी 58। अच्छा 58। तो ये जो आज आपने किताब लिखी है, इसका उद्घाटन करा है, कब आपका मन में यह चीज़ आई थी कि मैं किताब लिखूंगा, और कितने साल तक मतलब आप इस पर लगातार काम कर रहे थे? लंबे अरसे से। अच्छा, काफ़ी समय हो गया, एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता इस विषय में। अच्छा जी। लेकिन जब से मुझे होश संभाला, ये मालूम करने की चेष्टा रही कि हमने जिस गांव में जन्म लिया, पढ़े बड़े संस्कारित शिक्षित हुए, उस गांव को गांव कैसे बचा, उन बुजुर्गों ने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया, जानने की चेष्टा की, और वो इस वजह से ये ज़रूरत महसूस की कि आज का युवा बुजुर्गों के पास दूर संचार क्रांति के इस दौर में उनके पास बैठता ही नहीं है, ना इनकी सुनता है ना मानता है। तो इतिहास दो तरह का होता है, या तो मौखिक होता है या लिखित। लिखित हमारे पास है नहीं, मौखिक आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि इतिहास गांव का लिखा जाए, हर बच्चे नौजवान को इस विषय में बताया जाए। तो मतलब आपकी जीवनी कैसी रही, आपने और के काम कराया जिंदगी में, कोई सरकारी नौकरी या खेती जमींदार जो भी इस तरीके से? हाँ, पहले कॉलेज था, कॉलेज में छात्र रहा मैं, पढ़ाई अनेकों ये नेहरू कॉलेज झांसी। अच्छा, से मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके जस्ट बाद में तदर्थ आधार पर हुडा में जॉब पर चला गया, वो ज़्यादा समय नहीं चल पाई मेरी, 4-1 साल वहाँ गुड़गांव में रहे, और कुछ अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए घर आए, कुछ बीमार हुए, फिर ठीक हुए, बुजुर्गों के पास बैठना उठना रहा, इस चौपाल के निर्माण में बुजुर्गों ने मेरे से अकाउंटेंट की वो जिम्मेवारी सौंपी, और यह चौपाल धूमधली निर्माण है, तब से मेरा हौसला बढ़ता गया, बुजुर्गों के पास बैठता गया, उनकी सुनता रहा, और एक चेष्टा मन में बनती रही, और यहाँ तक पहुँचने में हम सफल हुए। सर, बिना मोटिवेशन के कोई भी काम नहीं होता। हाँ। समाज के अंदर हम कोई भी काम करते हैं बिना मोटिवेशन के हम नहीं कर सकते, तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, एक पूरा इतिहास लिख डाला आपने एक गांव का, और ये गांव भी लगभग 750 साल पुराना बताया जा रहा है, आपने वहाँ से लेकर अब तक का इतने तथ्य जुटाए, इसके लिए आपको किसने मोटिवेट किया? हाँ, ये सही बात है, अनेकों साथी से रास्ते में मिले जिन्होंने मेरा दिल खोल कर सहयोग समर्थन किया, अनेक तरह के साक्ष्य जुटाने मेरी मदद की, चाहे वो प्राचीन रिकॉर्ड हमारा राजस्व डिपार्टमेंट का हिसार हो, या मैं और कहीं, जैसे हमारा दादा गांव दलाल गोत्र का मांड उठी रहा, जहाँ से ये निकास होकर ये गांव आबाद हुआ है, दादा मसूदी वहाँ से चल के कुवारी के रास्ते से मसूदपुर पहुँचे आज से 700 साल पहले। तो मेरे साथी इस रास्ते में अनेक मिले जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे को जज्बा पैदा किया, तो मैं ये लिख पाया। मेरे को लेखनीबद्ध करने में, उसकी त्रुटियां दूर करने में, एक पुस्तक का टाइटल निर्माण करने में मेरे काफ़ी मदद मेरे को मिली है, मेरे गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मेरे बड़े भाइयों से, समझदार लोगों से, इस गाँव के तमाम लोगों ने मेरी मदद की है,
ये सही बात है। पहली बार आपको कब लगा कि एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए? पहली बार सन 2010, ये एग्जैक्ट समय है मेरा, जब मैं हमारे यहाँ पशु हॉस्पिटल में बैठा था। मेरे साथी हैं डॉक्टर अजमेर जागलान डाटा से, वो यहाँ भी लिए पोस्टिंग है, पोस्टिंग थी उस समय। तो वो चर्चा चली, चर्चा चलते चलते आगे बढ़ी तो उसको स्मृतियों को, गांव के बुजुर्गों की स्मृतियाँ, दंत कथाओं को नोट करने का एक इरादा बना और वहाँ से हम चल पड़े कापी पेन उठा के, और बुज़ुर्गों की बैठकों में, होका बैठकों में, तो हम सबसे मिलते चले गए और सारी जानकारियाँ आती गई। मतलब मसूदी के नाम पे गांव मसूदपुर पड़ा, ऐसा बुज़ुर्गों ने माना है, वही हमने लिखा है। मसूदी से मसूदपुर बात कुछ जचने वाली भी है, मुझे भी ये अच्छी लगी। और मसूदी हमारे अनेक नाम है, हमारे दादाओं के, परदादाओं के, अनेक बुजुर्ग हमारे यहाँ मसूदी नाम के रहे हैं जी। इसमें लिखा भी है, वो 1909-10 की जमाबंदी मैंने पूरी इसमें उतार के दी है, उसमें काफ़ी नाम मसूदी मिलेंगे, तो वो भी हमारे दादा मसूदी रहे होंगे, एक उसी के नाम से नामकरण हुआ। एक चीज़ और आप तो मैं पूछना चाहूँगा, मतलब इस किताब लिखण खेतर कितने साल तक संघर्ष करे आपने, यानी बुजुर्ग पास बैठना, उनते पुरानी बातचीत लेनी, उनका टाइम की बात, और उनते अपने और बड़े बुजुर्गों की बात पूछनी, कितने साल अंदाजा आपके मनो किताब की तैयारी कितने साल तक चली आपने? ये तो 10 साल से तो निरंतर थी। अच्छा जी, हाँ, गतिमान थे हम। पुस्तक लिखने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अनेकों चुनौतियाँ आई, अनेक तरह के संकट थे। कोई हमें ये बताया कि बिरादरी नहीं था, अगबे आप कैसे हो, कौन हो, कहाँ हो। अगर हम बाहर गए किसी कार्यालय में तो बहुत सी नाक भौं चढ़ाई, RTI लगा के पूछा गया। अच्छा, फिर भी टाल मटोल रही। फिर हमने मित्रता भाव बढ़ाई वहाँ उस डिपार्टमेंट की, जो आधार बनी मेरी पुस्तक का। मैं मांडोठी गया, मांडोठी हमें बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जो अध्यापक थे पेशे से, सेवानिवृत्त हो चुके थे, आयु के भी बड़े थे, 95 साल की उनकी उम्र थी, मास्टर मांगे राम जी जी, उनके पास काफ़ी रिकॉर्ड था, जिसको सजरा नसब बोलते हैं उनकी भाषा में, सजरा नसब का रिकॉर्ड, ये पीढ़ियों का रिकॉर्ड होता है जी। हमें लोग यहाँ गाँव में बताते थे कि मोम के वंशज हैं, हम नीम के वंशज हैं, हम दादा नीम को मानते हैं। पहले बुजुर्ग मानते थे, आज को पता ही नहीं नीम का जी। हम दादा नीम के वंशज हैं। तो मैंने उससे मिला, मैं उनसे पूछा, अकबर दादा नीम के वंशज मसूदपुर गांव के हैं, मानते हैं वो, ऐसा आपके पास रिकॉर्ड है? उन्होंने अपना सजरा नसब निकाला, दिखाया मेरे को। तो मोम जिन्होंने मांडूठी गाँव आबाद किया, वो अपने 9 बेटों के भरे पूरे परिवार से गढ़ गजनी से चल के अजमेर बिजवाड़ा होते हुए मांडूठी गांव आबाद करने वाले थे वो, उसकी 12वीं पीढ़ी में नीम मिले जी। मोटा संभव तो वो ही नीम थे जो हमारे पूर्वज थे, जिसके हम वंशज हाँ, उन्हीं के वंश मसूदी राम थे जिन्होंने ये गांव आबाद किया। मोटा मोटा जो आपने पूछा, तो आपने किताब गांव के बारे में क्या लिखा है, मोटा मोटा आपने मसूदपुर गांव के बारे में? हाँ, ये मसूदपुर का इतिहास, यहाँ की मसूदपुर गांव आबाद होने से पहले की पृष्ठभूमि जी। ये धरा जो है काफ़ी लंबे अरसे से थी, ये को मसूदी ने थोड़ी बनाई, पहले भी थी, पहले भी यहाँ गांव आबाद थे। खेड़े इसका प्रमाण है, यहाँ 3-4 खेड़े हैं। अच्छा जी। लेकिन यूनिवर्सिटी पूना से यहाँ शोधार्थी आते हैं, शोध करते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं जनवरी महीने में, इस बार नहीं आए, पिछले वर्षों से काफ़ी आए हैं। उन्होंने भी शोध किया यहाँ के खेड़ों से, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो लगभग मानते हैं इतिहासकार 10,000 पुरानी सभ्यता है। उस सभ्यता के ऊपर ये गाँव आबाद हुआ, वो उजड़ गई, वो गाँव पहले से अच्छी तरह से विकसित रूप से आबाद थे, ऐसे अवशेष यहाँ प्राप्त हुए। आपका मैन उद्देश्य क्या था जो किताब आपने लिखी? मैन उद्देश्य आने वाली पीढ़ी, जिसको हम बताना चाहते हैं हम कौन हैं, ये मेरा इतिहास का मोटो है, वो इससे शिक्षा ले। कितने लोग यहाँ उन्नति करके इस गांव से बढ़े, आगे बढ़े, आप भी बढ़े, यहाँ अच्छे से हुए हैं। सुरेश दलाल जी जो अध्यापक थे पेशे से, बढ़ते गए, अच्छे से बन गए, आज सिटी मजिस्ट्रेट हैं चरखी दादरी में। और एक हाई कोर्ट के हमारे वकील थे, हमारे भतीजे महावीर जी सिंधु, जो लंबे समय से वकालत कर रहे थे, वो जज बने, जस्टिस बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित करने की बात है, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ जज्बा पैदा करेगी आगे बढ़ने का। आपने लगा, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना आ गया, मोबाइल का जो ज़माना आ गया, यानी बालक इतने चूर रहने लगे मोबाइल में, शायद उन घरानी फुर्सत नहीं, आजकल के अंदर मेरा तेरा काका कौन, तेरा ताऊ कौन, तो आपने लगा कि आने वाली पीढ़ी
किताब पढ़ने का उधर टाइम पाओगा, जब हाथ में मोबाइल है तो पढ़ाई भी ऑनलाइन है कि। बिल्कुल सही बात है, आज के युवा कम ध्यान देते हैं। मेरी खासकर अपील है जो शिक्षाविद यहाँ बैठे हैं, अध्यापक हैं पेशे से, और प्राइवेट सेक्टर के भी काफ़ी विद्यालय हमारे आसपास के क्षेत्र में, हम जाएंगे वहाँ, मोटिवेट करेंगे, वो इस इतिहास को जाने, अपने गांव के इतिहास को जाने, अपने पूर्वजों को जाने। हमारे गांव में 27 जातियाँ हैं इस गांव में, जिनका पूरा विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। 9 गोत्रों के जाट बसते हैं यहाँ इस गांव में, सबकी विस्तार से चर्चा है। तो ये गांव, इसमें बरसक प्रयास रहा, हमने इसमें लिखने का काम किया, इसे शिक्षित और संभवतः आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर एक चीज़ और आप तो मैं पूछूँ भाई, आज के टाइम में अगर आप पढ़ाई न लेकर स्कूल तो ये बात कर लें, स्कूल में जो पढ़ाई चल रही है, जो एक किताबी ध्यान जो किताबी ज्ञान दिया जावे है, अगर उसके साथ साथ स्कूल में ये भी बताया जाओ भाई भगत सिंह और कौन थे, अपनी खाप के चीज़ है, पुराने बुजुर्ग के साथ में, मेरा कहने का मतलब कि अगर संस्कार भी दिए जाऊँ तो, क्योंकि ये जो किताबी ज्ञान हो किताब तक ही सीमित रह गया, बड़का में संस्कार खत्म हो गए, बड़े छोटे की इज्जत कम होगी, ये भी बहुत सारा फर्क पड़ने लग रहा है। बिल्कुल, आप पत्रकार हो, बुद्धिमान हो, पत्रकार चौथा सदम है इस प्रजातांत्रिक लोक प्रणाली का, आप उसके सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं, समाज में जो बुराइयां हैं उन पर प्रकाश डालेंगे, आप भी इसको दूर करने का प्रयास करेंगे जी। पुस्तक का भी यही मोटो रहेगा, वो हमेशा आगे बढ़ें, बुराइयां छोड़ें, मेरा तो यही इस विषय में। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आने वाली पीढ़ियाँ एकता, भाईचारे से और विद्या भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। आज के समाज में अनेक तरह की विद्या है, किसी भी साइड में जा सकता है और ऊंचे पदों पर पहुंचकर अपने गांव का, अपने परिवार का गांव रोशन करेंगे, नाम रोशन करेंगे, गांव को भी गौरवान्वित महसूस होंगे, यहां के लोगों को भी प्यारे लगेंगे। आज हमारे भाई जो हिसार से आए थे, अनेकों पदों पर थे, कोई एसडीओ था, कोई प्रोफेसर था, और हमें बड़ा अच्छा लगे उनसे। अगर वो ना पढ़ते तो इतने उनसे कैसे पहुँचते? तो यही मोटो है मेरा, यही मेरा उनसे कहना है, आप जीवन में आगे बढ़ें, हमेशा तरक्की पाएँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ है। कोई और उद्देश्य भी है आपका, क्योंकि किताब तो आपकी कम्प्लीट हो गया, लॉन्च होगी, कोई और उद्देश्य जिंदगी में आगे इस तरह अलग? हाँ, मौका मिला तो इस क्षेत्र में हम काम करने लग गए हैं, तो और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। इसमें जो खामियां रह गई हैं उनको दूर करेंगे जी। जो विषय छूट गए हैं वो दोबारा से फिर लिखेंगे। तो भाई आपने बताया दिया, या वो किताब है, एक बार कहूँगा दिखा दे भाई, मेरा गांव मेरा गौरव, मसूदपुर, लेखक ज्ञान सिंह आर्य जो अपने साथ बैठे हैं। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो जो मोबाइल का ज़माना है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, मोबाइल का ज़माना है, जो छोटे बड़का की आप बात करांगे, वैसे तो युवा भी इसमें शामिल हैं, वो चूर ज़्यादा हो गए मोबाइल में, मतलब घने देखे हैं सारा मजा, वहाँ घने ना तो न्यू नहीं बेरा होता भाई, उनका नाता में ताऊ कौन है, चाचा कौन है, मामा कौन है, फूफा कौन है। अगर आप संस्कारों की बात करें तो संस्कार भी जीवन का एक अभिन्न अंग मैं कहूँगा, क्योंकि जिस बालक के पास संस्कार हैं शायद आधी उम्र तो उसकी वैसे मतलब कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो फोन नाम बढ़कर सब कुछ भूल जाए हैं तो उनका जो भविष्य है अंधकार में, मैं कहूँगा। या किताब अगर देखा जाओ तो बहुत सही साबित हो सके है, क्योंकि बालक ने आजकल वाले कौन बैठ दे बुजुर्गों तो रहो, लेकिन आने वाले 10-15 साल में अपने बुजुर्ग भी चले जाओगे इस दुनिया में, तो बुजुर्ग भी नहीं बचेंगे, जो उनका द्वारा पहला ज्ञान होया करता, उनका द्वारा पुरानी बात होया कर दी, तो या जो किताब है या शायद कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों का एक आशीर्वाद का काम भी करेगी आने वाली पीढ़ी खातर। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा ज्ञान सिंह जी का, जो अपनी पूरी जिंदगी इनने इस किताब के ऊपर लगा दी, बड़ी मेहनत और बड़ी संघर्ष, और बहुत सारा पीसा भी जरूर लग गया होगा, इधर उधर जाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा, जो इनने इस फील्ड में काम कराया उसके लिए मैं इनका तय दिल से धन्यवाद करूँ। और जितने मेरे युवा साथी आने वाली पीढ़ी जो बालक, उन तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई, पढ़ाई करो अच्छी बात है, खेलो कूदो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपना मानना यो, अपने एक तो बुजुर्गों ने ना भूलो,
अपने जो संस्कार है, संस्कार कदे भी ना भूलो, चाहे आप DSP बन जाओ, SP बन जाओ, मैं ये कहूँ चाहे आप देश का प्रधानमंत्री बन जाओ, कितने बड़े पोस्ट पर जाओ, गुरूर ना करो किसी चीज़ का, अपने संस्कार ना भूलो, क्योंकि संस्कार अपनी जीवनी है। जिसके पास संस्कार है उसकी इज्जत न्यारी पाओगी, उस खानदान की इज्जत न्यारी पाओगी, उसकी घर की इज्जत न्यारी पाओगी, क्योंकि धन दौलत तो इंसान की जरूरत पर कायम आवा है, लेकिन संस्कार वाला आदमी ने तो महंगा धन भी मिल जाएगा, लेकिन धन तो संस्कार नहीं खरीदे जा सकते। तो मेरा कहना यू है भाई, अपने संस्कारों की तरफ ध्यान दो, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करो, इस तरीके की जो किताब है उन्हें पढ़ो, और स्कूलों में भी मेरा कहना यू है, एक किताबी ज्ञान न छोड़कर अपने इतिहास के बारे में भी बताया जाओ, क्योंकि आपने 2-3 महीने पहले आपने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था भाई वो यू देखना था कि आज के छोटे बालका में के काबिलियत है, जिसमें 10 बालक मैंने लिए थे 6 साल तक 12 साल तक के, बालका के सारे हरियाणवी गाने आए थे, सारे कलाकारों के नाम आए थे, लेकिन बालका न्यून बेरा था, तिरंगा झंडे में रंग कितने हुए हैं, भगत सिंह कौन था ये नहीं पता, राष्ट्रीय पक्षी के देश का ये नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं उस किताबी ज्ञान का जो अपने इतिहास की बातें का पता नहीं है भाई, अपने संस्कार के हैं, अपने बुजुर्ग के हैं। तो मेरा यूए मानना है भाई, संस्कारों ने भी साथ में लेकर चलो, संस्कृति ने साथ में लेकर चलो, और जितने मेरे मीडिया साथी हैं भाई कहेंगे आप तो एक वाई बात अपनी एक छोटी कोशिश है जो रंग लियान लग रही है, मैं तो ये कहूँगा, और जिस तरीके तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट कर दे रही हो, मैं तो इन तक भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने अपने रिपोर्टर साथी हैं, देखो मुद्दा हर इंसान का हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे मतलब किसी भी तरीके का मुद्दा हो, लेकिन अगर कोई संस्कार की या बड़े बुजुर्ग की वीडियो बनाओगा नहीं तो उसका कोई मान नहीं घटता इस चीज़ तब भाई, कोई न्यू नहीं आंगली उठाऊगा तेने तेरे चैनल पर बुढ़िया वीडियो क्यों गेड़ दी, कोई बुजुर्गों ने पूछता ही नहीं, लेकिन आपना मजा आने लग रहा भाई, 1.25 साल तो आप इस चैनल पर काम कर रहे हैं, और बड़ा मान सम्मान लोगों ने दिया, विदेशों तक मतलब वीडियो गई, विदेशों में तभी मान सम्मान मिला, और बड़ी खुशी होगा जब कोई आदमी जिस तरह पीछे विरोध हल्का में थे, हर आदमी एक नज़र तो देखा है कि भाई आप तो वो हो जो बुजुर्गों की वीडियो बना करा, बड़ी खुशी होगा भाई, छोरे छोरी आप तो दुनिया वीडियो बनाओ, बुजुर्गों ने केक उठ कर दिया, वह भी तो वो बुजुर्ग थे, तो आज अपना जन्म है, आप आपको एकड़ियाँ डाउनलोड थोड़े करे गए, एकड़ियाँ पर्ची में लकड़ गए। तो मेरा मानना ये हो भाई, जितने यूट्यूबर साथी हैं भाई, बुजुर्गों की वीडियो बनाओ, आपकी जो सोशल मीडिया है वो बहुत कुछ बदलाव कर सके समाज में, बुजुर्गों द्वारा बैठो उनकी पुरानी बात ले, वो बहुत कुछ काम करेगी, सबसे बड़ी दुआई बुजुर्गों पर है, और आने वाले 10 साल में ये बुजुर्ग टोए नहीं पाऊंगे, यानी यह दुनिया उजड़ जाएगी बुजुर्गों के बिना। तो ज्ञान सिंह जी आपका तय दिल से धन्यवाद करूँ जो आपने एक या नई पहल शुरू करी, और मैं तो ये कहूँगा परमात्मा अपना हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, और आने वाले टाइम में आप इसका और कोई बदलाव लेके आओ। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ, आप जीवन में आगे बढ़ें, ये मेरी कामना है परमात्मा से, आपको सफलता हासिल हो। तो भाई यह वीडियो आपने देख ली, गांव मसूद पर जिला हिसार में आप बैठे थे, ज्ञान सिंह जी ने किताब लिखी मेरा गांव मेरा गौरव, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो, और एक सभ्य कमेंट के जरिए आपने पता भाई अपनी वीडियो एक पूरा परिवार बीच में बैठ के बीच में फ़ोन रख कर छोटा तो बड़ा 3-3, 4-4 पीढ़ी वीडियो देखे हैं, तो मैं कह करूँ भाई कमेंट सिर्फ आपका एक सुझाव होया कर है, जिसमें आप अपनी सोच और विचार डाल सको, कोई किसी को गाली देना हो कोई कमेंट नहीं होता, वो एक भड़ास काटना हो है, तो आपका केवल सोच और विचार चाहिए, एक सभ्य कमेंट के जरिए बताइयो भाई काम आपने कितना सही लग गया कितना गलत लग गया, अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कर दियो। जय जवान कवरेज हो रही है A to Z चैनल से भाई सोनू दलाल और लोकवाणी न्यूज 24 से मास्टर नरेश लोरा जी और रमेश लोरा जी रिपोर्टिंग करते हुए हमारे गांव के लिए और राघव खाप के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही शानदार दिन है, मेरा गांव मेरा गौरव पुस्तक का विमोचन हुआ आप सबके सामने, हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर राम भक्त जी XMLA हल्का नारनौंद, सुमेर सिंह जागलान जी प्रधान राघव खाप, डॉक्टर अजमेर सिंह जागलान डाटा सरपंच प्रतिनिधि भाई कुलदीप दलाल, हमारे एडवोकेट महेंद्र सिंह मसूदपुर, एडवोकेट मनदीप सिंह दलाल मसूदपुर, मास्टर जिले सिंह जी रिटायर्ड हेडमास्टर और इंद्र सिंह दलाल पहुंची मूल रूप से कुमारी के अब तो शाम में, भजन सिंह दलाल पहुंची नथुरा जी से, राजेंद्र सिंह दलाल बाली गांव से,
जो कि चुलाना के पास है। नवदीप दुहान चानो छे युवा लेखक सज्जन सिंह सिसाए प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष करीरामन ईश्वर सिंह प्रधान किन्नर का और गांव के तमाम बुद्धिजीवी और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आज ये बहुत ही श्रेष्ठ बहुत ही महान ऐतिहासिक काम हुआ है। आज दो एक लोकवाणी न्यूज चैनल 24 का लोकार्पण हुआ, दूसरा आज ये मेरा गांव मेरा गौरव पुस्तक जिसके लेखक हैं हमारे आदरणीय श्री ज्ञान सिंह आर्य जी गांव मुसनपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत। एक बार इसका साझा फोटो अच्छी से ले लीजिए आज थोड़ा धन्यवाद बैठ जाइए सर। अब मैं आदरणीय चंद्र सिंह दलाल जी से निवेदन करता हूँ। सभी आचार्य हमारे आदरणीय यानी समाधि हैं बहुत अच्छा लग रहा होना भी चाहिए। ऐसे हमारे आदर्श हमारे घटना स्रोत मेरा साथ निभाने वाले कुछ नया करने वाले जागृति लाने वाले इंसान का सम्मान होना चाहिए। असम्मानीय है सम्मानित है तो सम्मान हो रहा है आर्य समाज गुरु की तरफ से हेडमास्टर दिनेश सिंह जी भाई ने आर्य सतपाल जी कृष्ण जोगी जी हरीश मी जी सुरेश जी सभी राजकुमार जी और कुछ सहयोग।